आज आप इस वक्त हम यहाँ पर जो जमा है किसी एक मकसद को लेकर है, राइट। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोई प्रोग्राम जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको प्रोग्राम को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, फिर उसके बाद में जो अरेंजमेंट जो है उसके लिए कितनी मेहनत दरकार। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे सामयिक जो बैठे हुए हैं उनके जहन में एक सवाल होगा कि टोस्ट मास्टर जो है वो कोई ऐसी चीज का नाम है जो जिसमें बहुत ज्यादा परफेक्शन होगा, बहुत ज्यादा महारतें होंगी। तो सारे जो जितने भी जो सामयिक जो बैठे हुए हैं उनके जहन में एक सवाल आप लेकर यहाँ आए होंगे। लेकिन जब आपने ये देखा होगा कि प्रोग्राम वक्त पर शुरू नहीं हुआ तो आपको क्या समझ में आया कि भाई ये इसी तरह के प्रोग्राम से जो एक ऑर्डिनरी प्रोग्राम हो। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मुंतजिमीन है या हम सब है? तो मैं मेरा जो प्रेजेंटेशन है मैं उसमें आपको ये बताना चाह रहा हूं कि टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जब आप उससे जब मुंसलिक होते हैं तो उसके क्या फायदे हैं और आपकी जो रोज आना रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें किस तरीके की आप तब्दीली ला सकते हैं। तो मैं उस पर कुछ आपसे जो है मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि टोस्ट मास्टर जब उर्दू टोस्ट मास्टर जब शुरू हो रहा है तो आप ये बन सकती है कि यहाँ पे उर्दू सिखाई जाए, यहाँ पे उर्दू नहीं सिखाई जाए। उर्दू हमारी मातृ जुबान है, हम सबको उर्दू आती है, लेकिन यहाँ पे जो सिखाया जाएगा उसमें आपको जैसे मैं बताया कि तकारीर किस तरीके से करना है, ये प्रोग्राम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन करना है और हम एक दूसरे से किस तरीके से सीखते हैं। तो इस पे हम लोग जो ना थोड़े से मैं रोशनी डालता हूँ। तो मेरे जो पहला जो हम लोग क्या सीखेंगे, टोस्ट मास्टर अगर आप ज्वाइन करते हैं, टोस्ट मास्टर क्लब अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आप सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैं बताया कि जब हम अगर जो रेगुलर जो टोस्ट मास्टर के जो प्रोग्राम होते हैं वो एग्जैक्टली डॉट पे शुरू होते हैं। अगर आप 4 बजे अगर कहेंगे तो 4:01 तक भी इंतजार नहीं किया जाता किसी का भी, क्योंकि देखा जाए डेमो मीटिंग है और यहाँ पे बहुत सारे जो सामयिक हैं वो नॉन टोस्ट मास्टर से हमको आने में भी जो है थोड़ी सी दिक्कत हुई, उसलिए जो है ना आज इस प्रोग्राम में दाखिल हुई। लेकिन अगर इस ताखिर को अगर हमको कम करना है तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे समाज से इस दूरी को दूर किया जाए? ये जो खराबी है, जो बुनियादी जो खराबी है, इसको कौन दूर करेगा? अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ जितने भी मुखरीर आए हैं, जितने भी जो खरीद किए हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने भी सामयिक जो बैठे हुए हैं वो सारे मेरे से बेहतर तकरीर कर सकते हैं, लेकिन वो लोग उस मौके को हासिल करना नहीं चाहते। अब जैसे यहाँ पे हमारे असातिज़ा बैठे हुए हैं, असातिज़ा जो है उनको क्या टोस्ट मास्टर की जरूरत है? मैं नहीं समझता कि उनको टोस्ट मास्टर की जरूरत है, लेकिन यकीनन हमको उन असातिज़ा की जरूरत है जो आकर इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हमको कुछ सिखाए। तो ये जो टोस्ट मास्टर का जो सेशन है वो यहाँ आप सिर्फ सीखने के लिए नहीं आते बल्कि आप इसको सिखाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जैसे टोस्ट मास्टर्स में जरा टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है, वक्त की जो अहमियत है। जैसे अगर जैसे आग साहब अभी जो तकलीफ किए जैसे अभी क्योंकि ये तो डेमो सेशन है, लेकिन अगर आप एक कॉन्टेस्ट पे जाते हैं, एक इंटरनेशनल स्पीच देते हैं, अगर आप 1 सेकंड में अगर आप लेट हुए तो आप डिस्क्वालीफाई हो। तो ये जो जो तरबियत जो है ये तो आपकी जो जहन साजी जो की जाती है वो यहाँ पे टोस्ट मास्टर्स में की जाती है। दूसरा सेकंड पॉइंट जो है पॉजिटिव एटीट्यूड और फीडबैक। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? हम लोग जब आते हैं तो आप मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि अरे सलीम साहब इसको ले जाके बहुत दूर रख दिए, वहां पे कौन आएगा टोस्ट मास्टर्स की मीटिंग के लिए? तो ये नेगेटिव एटीट्यूड है मेरे हिसाब से, ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है।
लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं या जितने जो हमारे जो बच्चे भी जो बैठे हुए हैं, कल जब ये अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे, जब उनको जॉब मिलेगा हाईटेक सिटी में, तो उस वक्त क्या डिमांड करेंगे? हाईटेक सिटी में जॉब करेंगे या जो ना मतलब वो ये बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम होम? तो इसकी जो जहन साजी जो है वो यहीं से इब्तिदा, उसको मैं समझता हूँ कि अब्दुलरहमान सलीम साहब ने अगर ये वेन्यू अगर सेलेक्ट किया है तो उसका उनके जहन में कुछ ना कुछ मकसद होगा, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो अगर हम एक टोस्ट मास्टर्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए अगर हम यहाँ नहीं आ सकते तो आप नौकरी करने के लिए कैसे आएंगे? तो उसकी जो बुनियाद जो है हमको यहीं से डालनी है। आप ये सोचिए कि यहाँ आना कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर लोग हज़ारों लोग नौकरी के लिए आते हैं, तो हम महीने में एक मरतबे एक मीटिंग अटेंड करने के लिए अपनी किरदार साजी के लिए भी हम वक्त निकाल सकते हैं। ट्रैफिक का प्रॉब्लम सबको है, जब आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो सब इस परेशानी को झेलते हैं कि जो दूल्हा टाइम पर नहीं आता। तो उस दूल्हे को यहाँ लेके आइए, पहले उसको तरबियत दीजिए, टाइम की पाबंदी करवाइए, उसके बाद यकीनन वो टाइम पर आना शुरू करेगा। क्या बात। तो उसी तरीके से जो हमारा जो नेगेटिव जो एटीट्यूड है उसको हम उसको जो ना पॉजिटिव एटीट्यूड में किस तरीके से कर सकते हैं, वो एक यहाँ पे जो ना उसकी एक तरबियत दी जाती है। साथ ही साथ आप अगर किसी पर तनखीद करते हैं, जब आप तनखीद जब करते हैं तो होता यह है कि आप तनखीद इस तरह करते हैं कि वो फिर दोबारा जो ना मतलब वो कोई काम करने के काबिल नहीं रहता। लेकिन तनखीद बराए तामीर अगर आपकी अगर हो तो यकीनन वो तनखीद जायज़ है। तो जो फीडबैक हम जो देते हैं किसी को भी, चाहे वो स्पीकर होने दो या किसी ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम जब मुनक्कद किया गया है तो कम से कम एक आध महीना तो ये लोग काम किए होंगे इसको रजिस्टर करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, कम से कम 10-15 मरतबे आपको रिमाइंडर्स भेजने के लिए। तो अगर यहाँ आने के बाद में अगर थोड़ी सी अगर थोड़ी गड़बड़ हो गई तो हम लोग पीछे बैठ के जो मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। उसके बजाय हम लोग ये सोचें कि अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या कर सकता था, क्या मैं हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड कर सकता हूँ इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो यकीनन हमारे समाज से ये सारी बुराइयाँ दूर हो सकती हैं और हम एक क्वालिटी स्पीकर्स हम जो ना डिलीवर कर सकते हैं और एक क्वालिटी प्रोग्राम्स हम जो ना दे सकते हैं जिसमें हमको फ़ख्र हो। तो उसकी आज सिर्फ ये इब्तिदा है, लेकिन इसको अंजाम तक पहुँचाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। उसी तरह जो तीसरा जो पॉइंट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे मैं बताया कि कंटेंट सबके पास है, जैसे यहाँ पे जितने प्रोफेसर बैठे हुए हैं उनके सामने हम लोग क्या हैं, हमारे पास जो ना उनके पास जितना इल्म का जो जखीरा है उसमें से हमारे पास, मेरे पास कम से कम उसका 1% भी नहीं है। लेकिन अगर उस जो जखीरा है आपके पास, अगर आप उसको इफेक्टिव तरीके से अगर लोगों तक आप नहीं पहुंचाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका? ना उसका कोई कौम का फ़ायदा हुआ, ना जो है कोई सोसाइटी हमारे समाज का कोई फ़ायदा हुआ। लेकिन होता यह है कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एक इन्वायरमेंट में हम लोग काम करते हैं, लेकिन आगे जाके कभी भी जो ना हम लोग ना आगे जाके उस पर वर्क करना नहीं चाहते या इनिशिएट लेना नहीं चाहते। तो जब आप यहाँ आएंगे, जब आप आके हम जैसे जो सीख रहे हैं उर्दू उनको जब आप सिखाएंगे तो यकीनन हम भी आपकी तरह एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो उसी तरह डायनेमिक लीडरशिप, अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक लीडरशिप चाहिए, एक क़यादत चाहिए, एक बाएतमाद क़यादत चाहिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सके। एक कंपनी अगर आप चला रहे हैं तो कंपनी में क्या चाहिए? एक क़यादत चाहिए। उसी तरीके से चाहे आप NGO चलाएं या ऑर्गेनाइजेशन चलाएं या कुछ भी चलाएं, उसके लिए क़यादत चाहिए। जो ऐसा लीडर जो बैक सीट लेके दूसरे जो हैं वॉलंटियर्स उनको आगे करें और उनको मौका दे। तो टोस्ट मास्टर्स के अंदर जो होता है उसके अंदर हायरार्की जो लेवल जो है उसमें प्रेसिडेंट सब में नीचे आता है और सर्जेंट एट आर्म जो बोलते हैं जो इंतजाम जो करता है, जो आपके लिए चाय का इंतजाम करता है या स्नैक्स का इंतजाम करता है, लेके आके बैनर जो चलाता है, उसकी जो अहमियत है वो सब में ऊपर है। तो ये जो चीज है, ये जो किरदार साजी है, क्यों कि अगर मान लीजिए इस प्रोग्राम में प्रेसिडेंट साहब जो ना कोट टाई डाल के अगर आगे स्टेज पे बैठ गए तो क्या प्रोग्राम हो सकता है? यकीनन नहीं हो सकता।
लेकिन उसके लिए जो इंतजाम जो करता है, आप उस इंसान के बारे में सोचिए, उस वॉलंटियर के बारे में सोचिए जिसने आके ये पेपर यहाँ लगाया होगा, माइक लगाया होगा, प्रेजेंटेशन बनाया होगा, आपके कुर्सियां जो ना मतलब ठीक की होंगी, आपके लिए जो ना चाय पानी का इंतजाम किया होगा। तो मेरी नजर में वो इंसान प्रेसिडेंट से ज्यादा अहमियत उसकी जो ना बढ़ जाती है। वो चीज जब आप किसी और को देखते हैं तो अरे ये क्या कर रहा है, ये तो मतलब बिल्कुल टीबाय है, ये कुछ नहीं कर रहा है, उसको आप झिड़की देंगे मतलब पानी लेने के लिए बुलाएंगे। लेकिन टोस्टमास्टर में इस तरह नहीं होता। टोस्टमास्टर्स के अंदर जो सर्जेंट एट आर्म जो होता है, वो जो इंसान है जो सर्जेंट आर्म का जो रोल लेता है, वो बेहतरीन एक जो ना एक लीडर बनता है। क्योंकि प्रेसिडेंट को रोजाना बोलने का मौका नहीं मिलेगा हर मीटिंग में, लेकिन जो सर्जेंट एट आर्म जो है उसको हमेशा मौका मिलता है बात करने का। तो आज के जो सर्जेंट आर्म थे, जैसे जावेद अली साहब थे, तो जावेद अली साहब जो ना अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, इंटरनेशनल स्पीकर से भी बेहतर स्पीकर वो बन सकते हैं। तो उसके उसकी जो ना जो जहन साजी जो होती है इस प्रोग्राम में होती है। तीसरा जो मैनेजमेंट, जैसे मैं बताया कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बगैर आप मैनेजमेंट के आप नहीं कर सकते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसके लिए फंड चाहिए, उसके लिए विजन चाहिए आपके लिए, उसके लिए मिशन चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ एक सेट गोल्स चाहिए आपको, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर ये उर्दू हेरिटेज फाउंडेशन अगर बनाई गई है तो उसका एक मकसद है, उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को साथ में लिया है, और उनके जहन में जैसे यहाँ पे प्रोग्राम करने का जो है वो भी क्या है कि एक मैनेजमेंट के जो ना डिसीजन का हिस्सा है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। साथ ही साथ जब आप बोलेंगे कैसे सीखेंगे हम, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रोग्राम में जो हैं डिफरेंट वॉलंटियर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, कोई आ काउंटर है या कोई वोट काउंटर है, ये सारे रोल्स हैं। उसी तरीके से जब आपका क्लब बन जाएगा तो क्लब के अंदर भी डिफरेंट आपके रोल्स रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि ट्रेजरर का प्रोग्राम एक रोल है। ट्रेजरर क्या है, अगर आप किसी कंपनी के अगर आप फाइनेंस मैनेजर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अकाउंट्स आना जरूरी है। उसी तरीके से अगर आपको लॉजिस्टिक संभालना है उसके लिए आपके लिए एक पर्टिकुलर जो जैसे बताया सर्जेंट आर्म है, VPPR पब्लिक रिलेशन अगर आपको मेंटेन करना चाहते हैं, तो अगर आपको मीडिया में जाना है या प्रेस रिलीज बनाना है तो उसके लिए क्या है कि VPPR का आप रोल ले सकते हैं। तो एजुकेशन में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो एजुकेशन के लिए उसका रोल है VP एजुकेशन। उसी तरीके से अगर आप CEO बनना चाहते हैं किसी कंपनी के तो प्रेसिडेंट है। और उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो ना मेरा एक रुतबा है कि मैं चेयरमैन बनूं, तो आप जो ना इंटरनेशनल प्रेसिडेंट तक आप जा सकते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट की जो सलाहियतें हैं वो भी यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। अब रहा सवाल कि इसके जो बेनिफिट्स जो है उससे हटके जो बेनिफिट्स जो है उसमें आप देखोगे कि आपका जो जो कॉन्फिडेंस जो लेवल है, अगर आप रेगुलर जब आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो जो है वो यकीनन उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो ये जो ना आपको मदद करेगा कि आपका जो जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको किस तरीके से आप जो ना बेहतर कर सकते हैं। गेट रेड ऑफ स्टेज फियर, आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग, मैं समझता हूं कि स्काई डाइविंग करके जो ना लोग नहीं मरते उतने जितने जो ना स्टेज फियर की वजह से मरते हैं। तो स्टेज फियर एक ऐसी चीज है, आप वहां बैठ के बात कर सकते हैं लेकिन आपको बुला के अगर ये बोला जाए कि भाई आप आके स्पीच दीजिए स्टेज से, तो एक डर एक खौफ होता है। लेकिन ये डर खौफ किनको नहीं होता है, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। और मैं समझता हूं कि यहां जितने असातिज़ा बैठे हुए हैं ये भी मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं, जब भी किसी नई जगह जाके आपको स्पीच देना होता है तो आपके जहन में एक डर होता है, एक खौफ होता है, लेकिन उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस से। तो जो प्रैक्टिस जो है जब तक आप नहीं करेंगे तो वो स्टेज फियर आपके साथ हमेशा रहेगा। तो उसकी प्रैक्टिस आप कहाँ करेंगे, सुबह पहले आप टोस्टमास्टर्स के उसमें करें, उसके बाद में जाके आप बाहर कहीं पर भी आप स्पीच दे सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को आप स्टेज फियर को दूर करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप जब आए तो 100 नए लोगों से आप नए दोस्त बना रहे हैं, एक जो नेटवर्किंग है जो नए दोस्तों से आप मिलते हैं, नए लोगों से आपकी मुलाकात होती है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि भाई मुख्तलिफ लोगों से जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ भाई इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ। तो ये नए लोगों से जो मुलाकात करने का भी एक